वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं रमन स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को यूट्यूब के कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स के बारे में बताने जा रहा हूं। मैं आज आपको यूट्यूब की प्रॉपर डेट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ कि यूट्यूब की किस डे को आपको पेमेंट मिलती है, किस डे को आपकी पेमेंट कट होती है और आपके खाते में पेमेंट कब आती है और कितने परसेंट उसमें से यूट्यूब आपकी अर्निंग काट लेता है और सीपीसी क्या होती है और आप अपनी सीपीसी को इंक्रीज कैसे कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम बात करते हैं कि यूट्यूब हमारी अर्निंग को कट क्यों करता है और कब करता है। फ्रेंड्स, यूट्यूब हमारी अर्निंग को तीन तरीक को कट करता है, जैसे कि हमारी जो भी पिछले मंथ की इनकम थी वो हमारी नेक्स्ट मंथ तीन तरीक को कट हो जाएगी। जैसे कि इससे जो भी पीछे वाला मंथ था उसकी अर्निंग अब इस तीन तरीक को कट हो जाएगी। यूट्यूब करता क्यों है? यूट्यूब अगर हमारे चैनल पर कोई भी इनवैलिड क्लिक के थ्रू जो भी हमारे पास पेमेंट आती है या जो भी हमारे पास इनकम आती है इनवैलिड क्लिक से, तो यूट्यूब उसमें थोड़ा सा प्योरिफिकेशन करके उसको काट लेता है। तो उसके बाद उस पेमेंट को गूगल एडसेंस में कब भेजा जाता है, तो 12 तारीख को गूगल एडसेंस में वो पेमेंट हमारी चली जाती है। तो सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि 3 तारीख को तो हमारी पेमेंट कट हो जाती है। अप्रोक्स है, जे मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बता सकता, अप्रोक्स है कि 3 तारीख को आपकी पेमेंट कट कर लेती है यूट्यूब। तो उसके बाद होता है कि 12 तारीख को 11 से लेकर 15 तारीख के बीच बीच में आपकी पेमेंट आपके गूगल एडसेंस अकाउंट में डाल दी जाती है और उसके बाद जब आपके गूगल एडसेंस अकाउंट में $100 हो जाएंगे उसके बाद वो पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में चली जाएगी। तो जब आपका $100 कंप्लीट होगा उसमें से 30% यूट्यूब काट लेगा। पहले तो आपकी 3 तारीख को पेमेंट काट लेता है, उसके बाद अगर आपकी पेमेंट $100 कंप्लीट हो जाती है या उससे ज्यादा हो जाती है एक मंथ की, तो उसमें से $30 वो काट लेता है। तो अगर फ्रेंड्स आपकी एक मंथ की इनकम $100 नहीं होती तो क्या होता है, जैसे आपकी इस मंथ की इनकम हुई $70 और नेक्स्ट मंथ की इनकम हुई हमारे पास $70, तो हमारे पास टोटल होगी $140। तो वो दो मंथ की इनकम हमारे पास हमारे गूगल एडसेंस अकाउंट में चली जाएगी और वहां से हमारे बैंक अकाउंट में आ जाएगी। तो ये तो होगी फ्रेंड्स हमारे पास इनकम की बात। उसके बाद हम बात करते हैं कि सीपीसी क्या होता है। सीपीसी में हमारे पास होता है कि अगर हमारी वीडियो पर कोई भी एड शो करता है यूट्यूब, उस हमें एक एड पर कितने क्लिक आते हैं। हमारा फ्रेंड्स जो भी सीपीसी होता है वो या तो होता है 0.01, या होता है 0.02, या होता है ज्यादा से ज्यादा 0.03। तो सीपीसी में हमारी यूट्यूब की अर्निंग पर क्या असर होता है। जे फ्रेंड्स हमारी सीपीसी बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है हमारे यूट्यूब चैनल के लिए। अगर हमारे पास 0.01 सीपीसी हमारे चैनल पर है किसी वीडियो पर, तो अगर उस पर हमारी वीडियोस पर 100 क्लिक्स आई उस एड पर, तो हमें उसका $1 मिलेगा। अगर हमारे चैनल पर उस वीडियोस पर सीपीसी 0.02 है और उस पर भी हमें 100 क्लिक्स आई, तो हमारे पास उसे हमें, अगर हमारे चैनल पर 0.03 की सीपीसी होगी और उस पर हमें 100 क्लिक्स आ जाएंगी उस एड पर, तो उस पर हमारे पास $3 हमें मिल जाएंगे। तो हमें फ्रेंड्स ये कैसे पता चलेगा कि हमारी सीपीसी को हम इंक्रीज कैसे करें। हमारे पास कुछ कीवर्ड होते हैं, हमें यहाँ पर गूगल कीवर्ड प्लानर का यूज भी हम कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा हमारे पास सोर्स है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बेसिकली कुछ ऐसे टॉपिक्स बता देता हूँ जिन पर की सीपीसी हर समय ही ज्यादा रहती है। तो जैसे कि हमारे पास हो गया अमेजोन, जैसे हमारे पास फ्लिपकार्ट हो गया और भी हमारे पास जैसे कि जोमेटो और ऐसे हमारे पास कुछ और टॉपिक्स हो जाएंगे। तो जैसे कि फ्रेंड्स हमारे पास मेनली अमेजोन और फ्लिपकार्ट हमारे पास समझे दो लेकर चलते हैं, इन पर हमें सीपीसी बहुत ही ज्यादा हाई मिल जाती है। तो फ्रेंड्स इस पर हम ऐसे तो कर नहीं सकते कि हम अपनी हर एक वीडियो में फ्लिपकार्ट और अमेजोन टाइटल टैग और डिस्क्रिप्शन में लिख दें, ऐसे तो फ्रेंड्स हमारी यूट्यूब की वीडियोस पर क्लेम आ जाएगा, ये तो यूट्यूब की गाइडलाइन के खिलाफ है। तो ऐसा तो हम नहीं कर सकते। तो इसलिए फ्रेंड्स हमें गूगल कीवर्ड प्लानर में जाकर कीवर्ड को सर्च करना होगा और वहां से हम कोई भी कीवर्ड चूज कर सकते हैं।
सो अगर आपको वीडियो नॉलेजफुल लगे तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, और अगर आप इस चैनल पर अभी नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।